बहराइच में तनाव खत्म नहीं हो रहा है, पूरे 6 दिन बीत चुके हैं और बहराइच में अभी हालत वैसी ही नाजुक बनी हुई है। 13 अक्टूबर को दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के दौरान बहराइच में हिंसा भड़की थी। जो भी पुलिस ने सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कल 2 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद नेपाल के बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया, लेकिन आज जुमे की नमाज है और पुलिस के लिए सुरक्षा का इंतजाम पुख्ता रखने की एक बहुत बड़ी चुनौती है, एक जिम्मेदारी है। तो आज जुमे की नमाज पर बहराइच में किस कदर सुरक्षा के इंतजाम है, इस पर देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। काउंटर के बाद साफ तौर से सुरक्षा व्यवस्था और पूरी तरीके से मुस्तैद कर दी गई है। अगर आप मेरे पीछे की तस्वीरें देखेंगे तो पाएंगे यहाँ पर डबल चेकिंग, यानी कि पहले यहाँ पर पुलिस हैवी पुलिस फोर्स को डिप्लॉय किया गया है। आप देखिए मेरे पीछे तस्वीरों में दिख रहा होगा, आने जाने वालों को सभी को चेक किया जा रहा है और इसके पीछे जो एक बैरिकेडिंग चेकिंग है, यानी कि डबल चेकिंग की जा रही है, पहले तो वेरीफाई करके और पीछे सामान वगैरह अगर कुछ ले जा रहा है तो उसमें भी चेक किया जा रहा है। चूंकि ये एरिया जो है ये जाता है सीधे महसी तहसील और महाराजगंज जहां पर यह हिंसा हुई थी, और ऐसे में साफ तौर से आज फ्राइडे की नमाज है तो कहीं ना कहीं कल के एनकाउंटर के बाद आज के हालात और संवेदनशील माने जा रहे हैं, इसी वजह से इस तरीके की चेकिंग को बढ़ाया गया है। और इसके साथ साथ जब गांव वाले हैं और मृतक परिवार है, उसने साफ कहा है कि उसको इंसाफ नहीं मिला है, तो ऐसे में उबाल कहीं ना कहीं मृतक परिवार की तरफ भी है और उनके जो गांव के लोग हैं उनमें भी है। तो ये सेंसिटिविटी को देखते हुए पुलिस ने चारों तरफ से पहरा कर दिया है, पूरी तरीके से एक तरीके से नाकाबंदी से कर रखा है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता समर्थ हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। समर्थ, जुमे की नमाज, जुमे का दिन है, सुरक्षा के कैसे इंतजाम है बहराइच में, हालात कैसे हैं? बिल्कुल राजीव, आज जुम्मे की नमाज है और बहराइच में, और हम इस वक्त उसी जगह पर मौजूद है जहां कुछ दिन पहले एक ऐसी हिंसा हुई जिसमें एक शख्स की मौत हो गई और तमाम दुकानें जल गईं। आज आलम यहां कुछ अलग है। यहां पर अगर आप देखें तो आज यहां बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, इस तरह के बैरिकेड्स के जरिए पूरे एरिया को कवर किया गया है, तमाम गाड़ियां हैं उनकी चेकिंग भी चल रही है। पीछे आप देखिए सामने जो है मस्जिद है और तमाम दुकानें हैं जो टूटी फूटी पड़ी हुई हैं, तो वहीं हर ओर आप देखेंगे तो इस तरह के तमाम बैरिकेड्स लगे हुए हैं जो कि वाहनों को कहीं ना कहीं एक छोर से केवल जाने दे रहे हैं, यानी कि एक छोर से रोका हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए तमाम वाहनों की चेकिंग भी चल रही है, वो भी आपको हम दिखाते हैं यहाँ से कि किस तरह से बाइक्स को रोककर यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिसकर्मी आधार आईडी वगैरह यहाँ पर आपको चेक करते हुए नजर आएंगे। क्या कुछ निर्देश दिए गए आप लोगों को, क्या कुछ कर रहे हैं आप लोग? यही कारखाने पे जाना है हमको, बच्चे के पैसे। अच्छा अच्छा जी, तो देख सकते हैं यहाँ पर आईडीज चेक कर रहे हैं ये सभी लोग, आईडीज जितने भी लोग मूवमेंट देखिए, वो जो इलाका है वहां से लोग आए, इधर से लोग आए और फिर भिड़ंत कहीं ना कहीं हुई, वो घर भी सामने ही लगता है। यहाँ पर देखिए तमाम लोग आईडीज चेक कर रहे हैं। सिसैया सिसैया मरी सिसैया, ठीक ठीक। आईडीज चेक करने निर्देश क्या मिले, क्या कुछ कर रहे हैं आप लोग बताइए? निर्देश मिले हुए हैं कि जो भी यहाँ से आ जा रहा है उसकी आईडी चेक करनी है, देखना है जो फोर व्हीलर गाड़ियाँ उनको देखना है कि उनके पास कुछ बम विस्फोट क्या कुछ संदिग्ध सामग्री तो नहीं है जिससे वो यहाँ कुछ कर सकें, या आने जाने उपद्रवी है वो ना अंदर आ पाए, इसलिए हम लोग चेकिंग लगाए हुए हैं, चेक करें सभी को। कि नमाज है आज तो उसको लेकर क्या आप लोग? उसके लिए सावधानी बरतने की, जो भी आ जा रहा है उसको हम चेक कर रहे हैं कि कोई किसी के पास कोई भी संदिग्ध वस्तु तो नहीं है, किसी प्रकार का कोई औजार तो नहीं है। आपके पास बीच बड़ी खबर आपको बता दें, सभी आरोपियों की पेशी इस वक्त कराई जा रही है, इनकी कल गिरफ्तारी हुई थी। 5 कुल आरोपी हैं जिनकी गिरफ्तारी कल हुई थी, जिसमें 2 को पैर में गोली लगी है। सभी आरोपियों की पेशी इस वक्त चल रही है। ACJM के घर पर ये पेशी की जा रही है। तो बड़ी खबर, बहराइच कांड पर सभी आरोपियों की पेशी और इनके रिमांड की मांग, इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रहे पुलिस। कल बड़ी कामयाबी उस समय मिली जब नेपाल भागने की फिराक में आरोपी पकड़े गए और एनकाउंटर हुआ, 2 के पैर में गोली लगी। तो बहराइच हिंसा में मारे गए रामगोपाल मिश्रा के गांव के बाहर भी बैरिकेडिंग कर दी गई है, वहां भी पुलिस बल की तैनाती है। आज जहां पर उनका घर है उस घर की तस्वीर आप देखिए कि यहां पर किस तरीके से यहां पर किस तरह से बैरिकेड किया जा रहा है, पूरा एक लकड़ी का जो पोल है उसको यहाँ रखा जा रहा है और रास्ते को बंद किया जा रहा है, यानी कि ये जहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं जो एक चौराहा जो है यहाँ से आप मानिए लगभग 2 किलोमीटर अंदर घर है। किसका घर है? रामगोपाल मिश्रा का। रामगोपाल मिश्रा का परिवार
इनकाउंटर को लेकर सवाल उठा रहा है। और अब ये देखिए किस तरीके से ये इस पूरे लकड़ी के पोल को यहाँ पर फिक्स कर रहे हैं, रस्सी का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि इसको बांध रहे हैं। ये देखिए किस तरह से एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि रस्सी का इस्तेमाल कर रहे हैं और इस पूरे रास्ते को ब्लॉक करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। इनको निर्देश मिले हैं कि परिवार से किसी को मिलने ना दिया जाए, खासकर मीडिया को अंदर जाने की मनाही हो गई है। तो परिवार ऐसा क्या बोल रहा है जो उनको बोलने से रोका जा रहा है, बड़ा सवाल ये है। दूसरी जो बात है, आज जुम्मे की नमाज है जिसको लेकर सिक्योरिटी बढ़ाई गई है और ये भी एक बड़ा रीजन है जिसकी वजह से इसको यहाँ पर ब्लॉक किया गया है। आप ये गाड़ी पुलिस की आप देख सकते हैं बीच में लगा दी गई है और अंदर भी सघन पुलिस चेकिंग भी चल रही है, सघन पुलिस फोर्स भी लगी हुई है। इस तरह की गाड़ियां रोड के बीच में लगा दी गई हैं और सामने की तस्वीर आपको बता रही है कि किस तरीके से इस पूरे चौराहे यानी कि जो रास्ता पीड़ित के घर का है, यहां से मुश्किल से 2 किलोमीटर है, उसको यहां बाधित किया गया है, रोका गया है। माना जा रहा है कि जुम्मे की नमाज खत्म होने के बाद शाम तक ही ये जो व्यवस्थाएं हैं इनको वापस से दुरुस्त किया जाएगा। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, बहराइच आज तक।